भारतीय महिला तैराक माना पटेल को टोक्यो ओलंपिक का टिकट मिल गया है। भारतीय तैराकी महासंघ के अनुसार माना के विश्वविद्यालय कोटा से टोक्यो ओलंपिक में भागीदारी की पुष्टि हो गई है। माना टोक्यो खेलों में 100 मीटर बैक स्ट्रोक में भाग लेंगी। वह इन खेलों के लिए क्वालिफाई करने वाली तीसरी भारतीय तैराक हैं। माना ने Olympics.com से कहा, ये शानदार एहसास है, फील हो रहा है और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि उधर जाके मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहे तो मैं इंडिया का नाम रोशन कर सकूँ, इंडियन स्विमिंग का नाम रोशन कर सकूँ। मैं 2010 से प्रोफेशनली स्विमिंग कर रही हूँ और तब से ही मेरा ये ड्रीम था और तभी से मेरे एक ही रूटीन फॉलो कर रही हूँ। दो घंटे सुबह स्विमिंग, फिर 1 घंटे जिम और 2 घंटे शाम को स्विमिंग, और डाइट का पूरे पूरा ध्यान रखना पड़ता है, तो बहुत सारा सैक्रिफाइस, बहुत सारा मेहनत लगता है करने के लिए। मैं सभी एथलीट्स को, सभी स्विमर्स या दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को यही कहना चाहती हूँ कि आप मेंटली स्ट्रांग रहे, क्योंकि अगर आपने मन में कोई बात ठान ली हो तो आप उनके लिए मेहनत करें, और सभी आई थिंक मेंटल टफनेस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि सब इधर ही है। बाकी आप हमें कोई भी अपना गोल अचीव कर सकते हो, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल। अगर मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। मैंने साथी तैराकों से ओलंपिक के बारे में सुना है और टेलीविजन पर इन्हें देखा था तथा कई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस बार वहां होना, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ से प्रतिस्पर्धा करना, मैं रोमांचित हूं।